फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन जो है हीट होता है यानी कि गर्म होता है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में ना एक फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के समला डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस को अगर आप फुल रखेंगे तो इससे मोबाइल फोन हमारा हीट होता है। ठीक है, ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितनी आपको जरूरत पड़ती है, फालतू में इसको बढ़ा के नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आप अपने फोन को अगर ज्यादा देर तक कंटिन्यू, मान लीजिए आपने अपने फोन को 1 घंटा 2 घंटे इससे ज्यादा देर तक यूज करा है ना, इसके तुरंत बाद अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो इससे आपका फोन हीट होगा, ऐसा नहीं करना है। आपको मोबाइल फोन को थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग पर लगाना है, इससे फोन हीट नहीं होता है। ठीक है, और देखिए अगर आप अपने फोन के कैमरे से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना ज्यादा लंबी, तो इससे मोबाइल फोन हीट होता है। ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई, ये नॉर्मल बात होती है सभी फोनों के लिए। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको जो अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना,